धोनी को अच्छे कैप्टन अच्छे खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपको बता दें जो कि विराट कोहली तो खेलेंगे ही, विराट कोहली कप्तानी नहीं करेंगे, उसी प्रकार अब चेन्नई की कप्तानी नहीं करते हुए नजर आएंगे हमारे एम एस धोनी कप्तानी क्यों नहीं करेंगे आपको बता दें। ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प एवं कांटों की टक्कर के दोनों ही टीमों के लिए होने वाला है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को नया कप्तान बना दिया गया आरसीबी का, नहीं चेन्नई सुपर किंग का, और चेन्नई की तरफ से बदल गई कप्तानी। हो सकता है तो एम एस धोनी इस बार के लिए ही खेलेंगे, अगले साल खेलते हुए भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग अपनी कप्तानी में चेंज कर दिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कुछ भी चेंजिंग नहीं है, लेकिन चेन्नई की कप्तानी चेंज और ऋतुराज गायकवाड़ पहली बार कप्तानी करेंगे और आईपीएल का आगाज का ही मुकाबला होगा, पहला ही मुकाबला होगा। क्या अपनी आगाज का मुकाबला चेन्नई को जिताएंगे, या आपको बता दें अपनी कप्तानी में टीमों को जिताएंगे, या आरसीबी अपनी टीमों का जीत का शुरुआत करेंगे, या आरसीबी आगाज का मुकाबला जो चेन्नई से पहली बार खेलने के लिए जा रहे हैं उसमें अपनी नाम इतिहास में नया एक रिकॉर्ड बनाएंगे। ये तो बातें चल रही है जोरों शोरों से, लेकिन होगी तो किसी एक के ही जीत, आरसीबी जीते, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीते, या सीएसके चेन्नई सुपर किंग जीते, लेकिन किसी न किसी एक ही टीम जीतेगा। और ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प एवं कांटों की टक्कर के दोनों ही टीमों के लिए होगा, और किसी एक टीम को इस मुकाबले में विनर होगा बनना। लेकिन हमें 100% उम्मीद लगता है आरसीबी का, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ही जीतेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली है, चेन्नई या आपको बता दे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सीएसके। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।